अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वही गाने हैं जो आजकल मुसलमान सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि शादियों और पार्टियों में स्पीकर्स पर इन्हें बजाते भी हैं। एक गाने में ये शेर है कि ऐ खुदा इन हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई, क्या तेरे पास मिट्टी कम थी या तूने रिश्वत खाई। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे गाने जिनमें अल्लाह ताला की तौहीन की गई है, आज मुसलमान खुशी से सुनते और गुनगुनाते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि अगर ये गाने को आप छोड़ दें, कोई काफिर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर दे तो हमारी गैरत जाग जाती है और हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम अल्लाह ताला की तौहीन कर दे तो हमारा खून खौलने लगता है और हम तलवारें निकाल लेते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन आज ये गाने जिनमें सरीह तौर पर अल्लाह ताला की तौहीन की गई है, वो हम अपने घरों में खुशी खुशी ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि स्पीकर्स पर उन्हें बजा भी रहे हैं। एक गाने में ये शेर है, सज़ा रब जो देगा वो मंजूर हमको कि अब हम तुम्हारी इबादत करेंगे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको क्या लगता है कि ऐसे दो या तीन गाने हैं? नहीं, बल्कि ऐसे हज़ारों बल्कि लाखों गाने हैं जो आपके कंप्यूटर्स मोबाइल्स में मौजूद हैं और आप उन्हें रोज़ाना सुनते हैं। क्या आपको पता है ऐसे गाने सुनने से क्या होता है? इन कुफ्रिया गानों को सुनने और इन्हें पसंद करने और इन्हें गुनगुनाने से इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर शादीशुदा था तो उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है, अगर वो किसी से मुरीद था तो बैअत भी ख़त्म हो जाती है, और उसने अपनी ज़िंदगी में जितनी नेकियां की थी वो तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। यानी आपके खाते में, नेकी के खाते में जितना भी बैलेंस था वो ज़ीरो हो जाता है। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। ये तो चंद गाने थे, चंद अशार थे जो हमने आपके सामने पेश किए। ऐसे कई गाने हैं और कई अशार हैं जो आजकल ना सिर्फ सुने जाते हैं बल्कि लोग पसंद भी करते हैं। आप ज़रा गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप एक तरफ अल्लाह की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते लेकिन खुशी खुशी इन गानों को सुनते हैं, क्या ये दुरुस्त है? इस मसले की तफसील को अगर आप जानना चाहते हैं तो अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल का एक रिसाला है, गाना बजाना बंद करो। आप इसे मुलाहिजा फरमाएं। इस रिसाले में हमने इस मसले की तफसील को बयान किया है और ऐसे कई अशआर को नकल किया है। हालांकि आवाम को समझाना मकसद ना होता तो कभी भी हम ऐसे अशआर को नकल ना करते, लेकिन ये इस्लाह मकसूद थी कि हमें इन गंदे और घटिया अशआर को नकल करना पड़ा। इस रिसाले में आप मुलाहिजा फरमाएंगे कि ऐसे कई अशआर को नकल किया गया है और उलमा के अकवाल व फतावा से बयान किया गया है कि ऐसे गाने को गुनगुनाने वाले और पढ़ने वालों पर क्या हुक्म है। ये रिसाला एक या दो नहीं बल्कि तीन जबानों में मौजूद है और इसे पढ़कर एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने गाना सुनने से तौबा की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिसाले को पढ़कर कई लोगों ने हमसे वादा किया है कि वो किसी ऐसी शादी में भी नहीं जाएंगे जहां पर गाना बजाना होता हो। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार इस रिसाले को ज़रूर पढ़ें। ये रिसाला हिंदी, उर्दू और रोमन उर्दू, जैसे हम व्हाट्सएप, फेसबुक पर बात करते हैं, MAIN, मैं, TU2, इस तरह भी मौजूद है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि आप इसे पढ़ें और ये दावा नहीं है लेकिन उम्मीद है कि जो लोग गाना सुनते हैं वो इस रिसाले को पढ़ने के बाद गाना सुनना छोड़ देंगे। PDF फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी होती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पर है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। Thank you.